यह तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देता है। तो चारों तरफ हम तुलसी के पौधों को बढ़ाएं और बीमारी से, रोगों से बचने का हम प्रयत्न करें। मुख के दुर्गंध के लिए, मुख के अशुद्धि के लिए और मुख को ठीक रखने के लिए 3-4 पत्ती तुलसी, 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्च, इसको थोड़ा थोड़ा कुचलें, कुचल करके पानी में डालें, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक भी मिला दें और उसको उबाल करके उसके करें गरारे। आप देखेंगे इसका चमत्कारिक परिणाम सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो आप इसका प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से, आप गाने वाले हैं तो और सुंदर गा सकेंगे, आप वक्ता हैं तो सुंदर बोल सकेंगे, विद्यार्थी हैं तो सुंदर पढ़ सकेंगे और आपका दांतों का और मुख का रोग इस सरल उपाय से निश्चित रूप से ठीक हो सकेगा। और कमाल की चीज़ ये और भी है, हालांकि आज यदि बालों में जुएं हो जाए बड़ी परेशानी होती है और माताओं बहनों को तो विशेषकर बच्चों को भी, उनको बड़ी कठिनाई होती कि क्या करें। आप तुलसी के पत्तों को पीस करके इसका रस यदि आप बालों के जड़ में लगाते हैं तो इससे बालों के जुएं भी ख़त्म हो जाती हैं और इससे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं। तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत निरापद और लाभकारी प्रयोग है।